तो भाई पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे, सही टाइम टेबल फॉलो करोगे और अच्छी तरीके से डेली टारगेट सेट करोगे तो फाइनल सिलेक्शन 101% होगा। मैं और इस साल CPO एस्पिरेंट्स को जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल 2023 की, उनको कैसे सेट करना चाहिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है। जो मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि मेरा SSC CPO 2022 से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 48। मेरा फाइनल सिलेक्शन CGL CHSL CPO में हुआ है और मैंने एडिशनल एग्जाम्स भी क्लियर कर रहे हैं, आपको आपके स्क्रीन पे ये दिख रहे होंगे। तो मैंने फाइनल सिलेक्शन SSC के तीन मेजर पेपर में कैसे लिया और कैसे एडिशनल एग्जाम्स क्लियर करे, इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था कि मेरा टाइम टेबल सही था। अपने को स्ट्रैटेजी सही रखनी होती है, टाइम टेबल सही रखना होता है और डेली टारगेट सही सेट करने होते हैं। तो स्ट्रैटेजी का मैंने CPO की स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो कर रखी थी, और टाइम टेबल का मैं इस वीडियो में बता देता हूँ कि मैंने घर पे क्या टाइम टेबल और आप लोगों को कैसे करना चाहिए, स्पेशली जो CPO 2023 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। हालांकि ये स्ट्रैटेजी सब SSC एग्जाम्स में वैलिड है, क्योंकि मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी तो इसलिए मेरा तीनों में सिलेक्शन हुआ था। तो लगभग लगभग सेम ही है, मैं कभी भी घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ता था, मैं हमेशा ये सेट करता था कि मेरे को टारगेट कितना कवर करना है, तो मैं टारगेट कवर करने के हिसाब से पढ़ता था। मैं ये नहीं करता था चल 2 घंटे मैथ है तो 2 घंटे मैथ को ही देने, 1 सेकंड फालतू नहीं देना, मैं वो नहीं करता था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मेरे मेजोरिटी ऑफ द प्रिपरेशन मेरी घर में ही हुई है। मैं पेपर के टाइम पे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता था 1-1.5 महीना पहले, ऐसे मैंने ज़्यादातर प्रिपरेशन अपनी घर पे ही करी है। तो घर पे मैं क्या करता था, अगर मैं मॉक नहीं लगा रहा जिस दिन, तो मैं ये बता देता हूँ कि पेपर घर पे मैं क्या करता था, मैं कोशिश करता था मैं 5 बजे उठ जाऊँ। 5 बजे उठ गया, अपना ना 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मैं SSC में 3 मेजर सब्जेक्ट लेके चलता था। रीजनिंग में थोड़ा कम पढ़ता था, लेकिन 3 मेजर सब्जेक्ट थे, मैथ इंग्लिश और GK। तो ये 3 मेजर सब्जेक्ट है, अपने को पूरे दिन में ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करनी है। हम एक साथ लेके बैठेंगे इनको तो अपने को भड़क होगी कि यार ये इतने सारे सब्जेक्ट है कैसे पूरे हो गए, कैसे नहीं इतना सारा पढ़ना है। तो मैं डिवाइड कर लेता था, नहाने से पहले मैं मैथ कवर करने की कोशिश करता था, मतलब जब उठता था और नहाने तक, मतलब नहाने से पहले मैं मैथ कवर करता था, नहाने के बाद और लंच तक मैं इंग्लिश कवर करता था, और लंच के बाद मैं GK कवर करता था। तो मेरा ऐसे थोड़ा माइंड ना मेरा थोड़ा डिवाइड हो जाता था कि चल भाई अपने को बस नहाने तक ना वो करना है, जब तक नहाने का टाइम होता है अब मेरे को सुबह मैथ कंप्लीट कर देनी है, और लंच से पहले मेरे को इंग्लिश कंप्लीट कर देनी है, और लंच के बाद रात तक मेरे को GK कंप्लीट कर देनी है, और टाइम बचा तो थोड़ी बहुत रीजनिंग। तो ये मैं ऐसे करता था कि सुबह मैं 5 बजे उठ गया, और फिर मैं सपोज 5:30 फ्रेश वगैरह होके अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं अपना 5:30 बजे कोशिश करता था पढ़ने बैठ जाऊं। तो मैं इसमें कवर करता था, नहाने से पहले मैं कोशिश करता था 9 बजे तक मैं मैथ कवर करूं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता था, अगर मेरे को बेसिक पढ़ना है मैं बेसिक पढ़ लेता था, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने मैं वो लगा लेता था, और कैलकुलेशन प्रैक्टिस मैं रोज़ करता था। कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो अलग सीन है, वो मैंने बता दिया है कॉन्स्टेबल की लास्ट वो सॉरी उसकी CPO की लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी में वीडियो बनाई थी। लेकिन सुबह के पोर्शन में मैं मैथ कवर करता था, 5 बजे उठा, 5:30 से पढ़ाई स्टार्ट करी, कोशिश करता था 9 बजे तक मैं मैथ कवर करूँ। हालांकि 9 से पहले भी हो जाती थी, 9 के बाद भी होती थी, मैं टारगेट सेट करता था। टारगेट कैसे सेट करने वो मैं बता दूंगा, सबका अपना अपना होता है टारगेट सेट करना, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन क्या था, सुबह मैंने मैथ कंप्लीट करी सुबह उठने के बाद नहाने से पहले तक कि मेरे, तो नहाने के बाद 2 सेक्शन, नहाने से बाद लंच तक मैं दो सेक्शन डिवाइड कर लेता था, मैथ ओ सॉरी इंग्लिश में ग्रामर और इंग्लिश में वोकैब, इन दोनों के बीच में मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता था। एक साथ नहीं लेके बैठना, फिर नहीं तो भड़क हो जाती है यार इतना सारा करके करना है। ठीक है, तो लंच तक मैंने ग्रामर कंप्लीट करी, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 बजे अगर मेरे को लंच करना है तो 3 बजे तक मेरी ग्रामर और वोकैब कंप्लीट हो जाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सपोज़ मेरे को 2 बजे भूख लगने लगी, 1 बजे भूख लगने लगी, तो मैं 1 बजे तक ग्रामर कंप्लीट करके अपना थोड़ा खाना वाना खा के फिर मैं अपना वो कैब स्टार्ट कर देता था, या कभी मेरा ज़्यादा लंबा सेशन चल गया इंग्लिश ग्रामर का तो मैं लंच के बाद वो कैब करता था। लेकिन मैंने स्प्लिट कर लिया था माइंड में कि हाँ भाई अपना मेरा नहाने के बाद से लंच तक मेरा इंग्लिश का पोर्शन है, मेरे को बस यही पढ़ना है, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये मैंने ये कर लिया था। अब कोशिश करता था मैं लंच तक वो इंग्लिश कंप्लीट कर लूँ। तो लंच तक हमने अपनी वो मैं ये क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश कंप्लीट कर ली, लंच के बाद अगर नींद आई तो सो लो, वरना फिर अपना रीजनिंग देख लो। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं पढ़ता था मैं, मॉक्स में कंप्लीट कर लेता था। अगर मेरे को अपनी बेसिक वगैरह पढ़नी है तो मैं रीजनिंग वो अपना शाम वाम के टाइम में या लंच के बाद मैं अपनी रीजनिंग उठा लेता था। तो और मैं कोशिश करता था मैं 6 बजे जो है वो GK स्टार्ट कर दूँ पढ़नी,
ठीक है, 6-7 बज जाते थे या कभी कुछ जाता था, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन लंबा खिंच गया, कभी वोकेबलरी का लंबा खिंच गया, तो मेरी 5 बजे वोकेबलरी ख़त्म हो रही है, कभी 6 बजे वोकेबलरी ख़त्म हो रही है, ऐसा भी होता था। तो फिर मैं इंग्लिश कोशिश करता था 6-7, वो मैं जी के कोशिश करता था 6-7 बजे स्टार्ट कर दूँ, और जी के मेरा इतना मन भी नहीं करता था पढ़ने का, तो मैं रीजनिंग में, इंग्लिश में और मैथ में कभी भी टाइम डिसाइड नहीं करता था, टारगेट डिसाइड करता था। सिर्फ जीके में मैं टाइम डिसाइड करता था कि मेरे को 1 घंटे के बाद जीके पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि मैं वो ज़बरदस्ती पढ़ता था, मेरा मन नहीं करता था जीके पढ़ने का। तो मैंने 1 घंटे के आसपास, सपोज 7 बजे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1-1.5 घंटा जो भी है मैंने जीके पढ़ी, फिर उसके बाद मैं लंच कर लिया कि वो डिनर कर लिया कि भाई मेरे को डिनर करने से पहले मेरे को अपनी जीके पढ़नी है, डिनर कर लिया। फिर डिनर करने के बाद मैं अपना टारगेट रखता था, मेरे को करंट अफेयर्स करने हैं, मंथली करंट अफेयर्स। तो मैंने ऐसे सिंपल तरीके से मैंने अपना पूरा दिनचर्या को ना डिवाइड कर लिया था। मैं ये नहीं था कि सारे चारों सब्जेक्ट एक साथ लेके बैठता था कि चलो अब पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। सुबह अगर मैं मॉक लगा रहा हूँ तो मॉक मेरा थोड़ा वो होता था कि मैं सुबह उठा, मेरा ये हमेशा डेफिनेट रहता था कि सुबह उठ के मेरे को मैथ खत्म करनी है नहाने धोने से पहले, तो नहाने धोने के बाद मैं मॉक लगाता था क्योंकि एकदम फ्रेश फील होता है। शाम को मैं मॉक नहीं लगाता था क्योंकि पूरे दिन का सर पड़ पुड़ के ना सर दर्द हो जाता, और शाम को फिर मॉक में थोड़े नंबर भी अगर डाउन हो गए तो लगता है यार पूरे दिन की भड़क भी थी, मॉक में भी नंबर कम आ गए तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं नहाने धोने के बाद हमेशा मॉक करता था, मॉक लगाता था उसको एनालाइज कर, थोड़ा ब्रेक लेता था, उसको एनालाइज करता था। इतने में मेरा लंच का टाइम हो जाता था, 2-3 बज जाते थे। ठीक, लंच के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है ले लो। उसके बाद मैं करता था इंग्लिश, ऑब्वियसली क्योंकि इंग्लिश करनी है, इंग्लिश में इंग्लिश जिस दिन मैं मॉक नहीं लगाता तो उस दिन मैं नहाने के बाद इंग्लिश कर लेता था, लेकिन अभी करी नहीं तो इंग्लिश मेरे को इसके बाद करनी पड़ी। इंग्लिश भी 2 पोर्शन में, ग्रामर और वोकैब। ग्रामर पोर्शन मैं 5:30-6 बजे तक कंप्लीट कर लिया, 5:30 तक कंप्लीट कर लिया, 1/2 घंटे का ब्रेक लिया, 6 बजे से मैंने वोकैबलरी स्टार्ट कर ली, सपोज 8 बजे तक वोकैबलरी पड़ी, डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट, दो बार बार बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने जिस दिन मैं मॉक लगा रहा हूँ, लंच तक मॉक लगाया, एनालाइज करा, उसके बाद मैंने जीके पढ़ी, जितना भी टाइम लगा, ग्रामर प्लस वोकैब। कोशिश करता था डिनर करने से पहले मैं वोकैब वो अपना इंग्लिश पोर्शन ख़त्म कर लूँ, डिनर करने से पहले, लंच से डिनर के बीच में मैं अपना इंग्लिश पोर्शन करता था, और डिनर के बाद फिर मैं अपना जीके उठाता था। ऑब्वियसली जिस दिन हम मॉक लगा रहे उस दिन मेरे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, एज कम्पेयर टू अदर डेज मेरे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था उस दिन। तो मैं डिनर के बाद अपना इंग्लिश जीके उठाता था, जिसमें मैं फिर वही लूसेंट पढ़ना, लूसेंट प्रीवियस ईयर पढ़ना, प्रीवियस ईयर। और अगर टाइम ज़्यादा ही लग गया तो मैं लूसेंट प्रीवियस ईयर वाला ना मैं स्किप ही कर देता था पोर्शन, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के सो जाता था। तो मेरा ये सीन था। तो अपने को अगर मॉक लगा रहे हो, जो कि इस बार तुम ये मेन जो CPO एस्पिरेंट्स है वो अभी तुम मॉक ही लगा रहे होगे क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है अपना तुम्हारे पेपर का, सुबह उठ के मैथ कंप्लीट करो, नहाने सुबह उठने से नहाने तक मैथ कंप्लीट करो, नहाने से लंच तक अपना मॉक कंप्लीट करो, लंच से अपना डिनर के बीच में इंग्लिश कंप्लीट करो, और डिनर के बाद और सोने से पहले अपना ये कंप्लीट कर लो जीके वाला पोर्शन। रीजनिंग इसी के बीच में थोड़ी बहुत पढ़ लेना, पढ़नी है तो। देखो मैं नोट्स वोट्स नहीं बनाता करंट अफेयर्स के, वैसे ही 70 बुकें पढ़ने के लिए अब नोट्स भी बनाओगे करंट अफेयर्स के लिए, जिसको बनाना है बना लो भाई, अपनी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। और अगर कोई बंदा बोल रहा है कि भाई तुमने तो न्यूज़पेपर का बताया नहीं, तो भाई न्यूज़पेपर मैंने सिर्फ मेंस के टाइम पे पढ़ा था, और मेंस के टाइम पे बस वो था कि मेरे को मैं इंग्लिश पढ़नी है तो न्यूज़पेपर में सुबह शाम पढ़ लेता था। जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना है वो अपने इंग्लिश के सेक्शन में ही पढ़ लेना, जो इंग्लिश का टाइम है ना, नहाने के पहले मैथ, नहाने के बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में ग्रामर स्टार्ट करने से पहले वो न्यूज़पेपर पढ़ लेना, और एक न्यूज़पेपर शाम को पढ़ लेना, 5-5 पैराग्राफ जिसको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हो रही है। तो मैं यार भाई ने ये ना मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे स्प्लिट करना कि अभी मेरे को इस पोर्शन में मेरे को मैथ कंप्लीट करनी है, लंच तक मेरे को इंग्लिश कंप्लीट करनी है, शाम तक मेरे को अपना रीजनिंग वगैरह या थोड़ा बहुत सोना है, शाम से डिनर तक मेरे को अपना वो कंप्लीट करना है जीके, और डिनर के बाद मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ के सो जाना है। सारा गुच्छा लेके मत बैठना कि ये भी पढ़ना है, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए तुम्हारे भाई 4 सब्जेक्ट हैं मेन, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके। तो मैं कोशिश, अगर तुम घर पे पढ़ रहे हो तो यही चीज़ फॉलो करना भाई कि अपना तुमने सुबह उठते ही अपनी मैथ कंप्लीट कर ली नहाने से पहले, सुबह उठने के बाद 5-5:30 बजे उठ जाना यार, कोशिश करना यार 5 बजे तो उठ ही जाओ यार, पेपर में कम टाइम बचा, 5 बजे भी नहीं उठे तो
क्या फ़ायदा यार। 5 बजे उठो, 5:30 बजे पढ़ाई स्टार्ट करिए, अपना नहाने से पहले अपनी मैथ कंप्लीट कर ली, जिसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई क्लास ले रहे हो या XYZ जो मर्जी कर रहे हो मैथ में जो मर्जी पढ़ रहे हो, अपना 5:30 बजे उठ के और नहाने से पहले तक अपना मैथ कंप्लीट कर लेना। नहाने के बाद और लंच के बीच में अपना कंप्यूटर पढ़ना, इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना, अपना बेसिक पढ़ रहे हो या प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हो, एक वो वाला सेक्शन प्लस में शॉर्टकट कीज का सेक्शन। तो इसमें आप तुम शॉर्टकट कीज भी पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हो, और अगर बेसिक भी कंप्लीट कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि नहाने के बाद से लंच का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके सारी चीज़ें पढ़ लेना इसमें, ठीक है। और लंच के बाद से 1.5 घंटा या 2 घंटा अपना रीजनिंग पढ़ लेना। सपोज अगर तुमने 2 बजे लंच करा तो 4 बजे तक, 2 बजे लंच करा तो 3 बजे पढ़ना स्टार्ट करोगे, 5 बजे तक अपना रीजनिंग कर लेना, ठीक है। तो आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर 5:30 बजे से या 6 बजे से तुम जो जैसा भी अपना कोशिश करना, 6 बजे तो अपनी GK स्टार्ट कर दो, 6 से डिनर तक तुम इसके बीच में अपना तुम्हें लूसेंट पढ़नी है वो पढ़ो, ब्रेक लेके फिर अपना प्रीवियस ईयर भी पढ़ो और स्टैटिक GK भी पढ़ो। 6 से 10 बजे तक मैं मान लेता हूँ, अगर तुम अपना लंच 10 बजे करोगे, 6 बजे स्टैटिक GK लेके बैठे या फिर इसमें वो कर लेके बैठे, जो भी है स्टैटिक GK लेके बैठे या बुक लेके बैठे या जो भी बेसिक लेके बैठे, ठीक है। 6 बजे तुमने अपनी GK स्टार्ट करी। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अपना 6 से कोशिश करना डिनर तक तुम अपनी GK कंप्लीट करो। डिनर अगर 10 बजे करोगे, 9 बजे करोगे, तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से। इसके बीच में तुम स्प्लिट कर करके पढ़ना, बेसिक पढ़ना, थोड़ी देर बाद तुम अपना 1.5 घंटा तुमने बेसिक पढ़ा, प्लस 1 घंटा तुमने रीजनिंग पढ़, वो प्रीवियस ईयर पढ़ लिया, प्लस 1 घंटा तुमने वो पढ़ लिया स्टैटिक GK पढ़ लिया, क्योंकि तीनों पोर्शन कवर करना जरूरी है। और डिनर के बाद अपना करंट अफेयर्स पढ़ लेना, मंथली करंट अफेयर्स या फिर SPD की बुक से पढ़ रहे हो, XYZ कोई भी तुम कुछ भी चैनल यूज़ कर रहे हो, करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स देखना, मैं सजेस्ट करूँगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल वालों, तुम्हारा ओवरव्यू ये है कि सुबह उठ के मैथ कंप्लीट करो, नहाने के बाद से अपना लंच तक कंप्यूटर कंप्लीट करो, जिसमें 2 सेक्शन बना लो कि मेरे को 1 सेक्शन में कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ना है या प्रीवियस ईयर पढ़ना है, और दूसरे सेक्शन में मेरे को शॉर्टकट कीज लेने हैं, इन दोनों सेक्शन के बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेना। और लंच के बाद मैं बोलूँगा तुम्हें, तुम रीजनिंग पढ़ लेना 1.5 घंटा जो भी है। रीजनिंग में मेरे को नहीं लगता किसी को इतना ज़्यादा कोई दिक्कत आती है, सब रीजनिंग नॉर्मली कर लेते हैं, तो 1.5-2 घंटा बहुत है। और कोशिश करना 5:30-6 बजे तक, 5:30-6 बजे से तुम अपना GK को स्टार्ट कर देना। उस GK 5:30-6 बजे से जब भी तुम डिनर करते हो, उसमें तुम अपना उस पोर्शन में अपना तुम GK कंप्लीट करना, जिसमें तुम स्टैटिक GK भी करना, जिसमें तुम प्रीवियस ईयर भी करना और अपना बेसिक भी पढ़ना, लूसन से पढ़ रहे हो, किसी टीचर के नोट्स बनाने के वो करना। इसके बीच में तुम थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते जाना, क्योंकि एक साथ लेके बैठोगे दिक्कत होगी, बीच में ब्रेक लेना इन सेक्शंस के बीच में बहुत ज़रूरी है। और डिनर करने के बाद अपना जयराम जी की करंट अफेयर्स पढ़ के सो जाना। ये बोलने में आसान लग रहा है भाई, लेकिन बड़ा दिक्कत होगी इसको फॉलो करने में, तो कर लेना, ठीक है। और अपना मैं जैसे मैं डेली टारगेट सेट करता था, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा मैं कैसे सेट करता था, डाल दूंगा वीडियो यार बनानी थोड़ी भड़की है यार, तो बनना डाल दूंगा मैं वीडियो। लेकिन हाँ, अपना यार एक साथ सारी चीज़ें लेके मत बैठना, थोड़ा स्प्लिट कर लेना आप पूरी दिनचर्या को, बहुत रिलीफ होगा, पर्सनली बोल रहा हूँ। और कांस्टेबल वालों, वो तुम्हारा वो था कि तुम्हारा मॉक कैसे लगाना है, तो वो मॉक का फिर वही तरीका है, टारगेट्स होगा तुम्हारा, वो अप डाउन करना पड़ेगा कि अगर तुम मॉक लगा रहे हो, वैसे तो मॉक की इतनी ज़रूरत होती है, टाइम बहुत होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मॉक लगाना है तो सुबह उठ के मैट कंप्लीट करी, नहाने के बाद तुमने मॉक लगा लिया लंच तक, उसको एनालाइज करा, लंच के बाद तुमने फिर रीजनिंग तुम्हें छोड़नी पड़ेगी भाई, ये बात है। उस दिन जिस दिन मॉक लगाओगे रीजनिंग छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग तुम्हारी मॉक में ही कंप्लीट हो रही है। तो जिस दिन मॉक लगाया, उस दिन नहाने से लंच तक तुमने मॉक लगाया, उसको एनालाइज करा, लंच के बाद तुमने कंप्यूटर उठाई, शाम तक तुमने कंप्यूटर ख़त्म कर दी, दोपहर को लंच करा, शाम तक कंप्यूटर ख़त्म कर दी, जिसमें 2 सेक्शन हो गए, अपना बेसिक वगैरह भी हो गया और शॉर्टकट कीज़ वगैरह भी हो गई, और फिर शाम से तुमने डिनर तक अपना वो वाला पोर्शन ख़त्म करा, इसको क्या बोलते हैं GK का, जिसमें तुमने बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लिए,
ठीक है, बेसिक पढ़ा, थोड़ा ब्रेक लिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, थोड़ा ब्रेक लिया, स्टैटिक जीके पढ़ी, थोड़ा ब्रेक लिया, और फिर डिनर करने के बाद ब्रेक में तुम फोन चला लो, खाना पीना थोड़ा बहुत कर लो, वो है, और मेन डिनर करने के बाद करंट अफेयर्स पढ़ के तुम सो गए, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के। स्टैटिक जीके का पोर्शन भाई मैंने अभी कॉन्स्टेबल की वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मेरे को अब तक कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जिसकी जो स्टैटिक जीके अच्छी बताता हो या जिसकी बुक अच्छी हो जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकूं। तो मेरे एक दो दोस्त हैं जिनके जीके में बहुत अच्छे नंबर आए थे सीजीएल में, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा, एक शॉर्ट्स डाल दूंगा, ठीक है भाई। तो भड़क नहीं लेनी, एकदम मस्त पढ़ना है अपना, बिना टेंशन के, बिना भड़क के पढ़ो, अपना बेस्ट दो, ठीक है। कुछ होगा तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा।